उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय और अपने निजी सचिव जैनेन्द्र यादव के साथ करीबी नेताओं के ठिकानों पर की गई आयकर विभाग की छापेमारी के अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला और उन्हें अनुपयोगी मुख्यमंत्री करार दे दिया। रविवार को अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनका और उनकी पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद हर शाम उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है, सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है, इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए, लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी है, अनुपयोगी है। वहीं अखिलेश यादव ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर आरोप लगाते हुए पूछा कि सरकार टेनी को आखिर क्यों बचा रही है। गृह राज्य मंत्री टेनी कौन नहीं जानता उन पे आरोप क्या है। गृह राज्य मंत्री टेनी उन पे क्या आरोप है? क्या दिल्ली की सरकार नहीं जानती? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको? क्या कारण है कि सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है? जो हमारे अन्नदाता हैं, जो अपने हक और सम्मान के लिए गए थे, अपने हक की लड़ाई को लड़ने गए थे, पीछे से थार जीप ने उन्हें कुचल दिया, किसानों की जान चली गई, पत्रकार की जान चली गई। दोषी कौन है? जांच में यह बात साफ है कि देश के गृह राज्य मंत्री उन पर उंगली उठी है, उनके बेटे पे उंगली उठी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे उंगली उठी है, लेकिन आखिरकार सरकार क्यों नहीं सजा दे रही है? साथ ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज करते हुए गंगा नदी में पीएम मोदी के साथ डुबकी नहीं लगाने पर कहा कि सीएम योगी ने जानबूझकर गंगा में डुबकी नहीं लगाई क्योंकि वो जानते थे कि इसी माँ गंगा में पिछले लॉकडाउन के दौरान लाशें तैरती देखी गई थी। कम से कम इसी से समझ लेना चाहिए था कि जब डुबकी उनसे लगवा दी, वो खुद डुबकी नहीं मानी, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री अनुपयोगी को पता है कि वहीं से लाशें बहती गई थी। और फिर आप तो तस्वीरें भूल जाते हो कि अभी चार पहिए की गाड़ी से खुद चल दिया और खुद पैदल चले। अनुपयोगी मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया, अभी तो जनता को मौका मिलेगा पैदल करने का। गौरतलब हो कि अखिलेश यादव ने शनिवार को भी छापेमारी का विरोध करते हुए कहा था कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों की आड़ में छापेमारी करवाई है। उन्होंने कहा था कि अभी तो आयकर विभाग तो आया है, ईडी और सीबीआई का आना अभी बाकी है। INS रिपोर्ट।